मेरी तो सबसे ज्यादा मुश्किल है कि मैं आज देश के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक डीएवी स्कूल से जुड़ रहा हूं और इसके माननीय प्राचार्य महोदय निदेशक महोदय मंजूश्री देवी जी तभी हमारे मित्र अध्यापक और हमारे प्रिय विद्यार्थी। सबसे ज्यादा खुशी तो बच्चों से मिलने में होती है, नए लोगों से मिलने में होती है और आप सबसे मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तब मैं हमारे क्षेत्रीय अधिकारी एसी सरपंची जी को याद करते हुए और हमारे क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर एल एन प्रधान जी को याद करते हुए उनके मार्गदर्शन से हमारे विद्यालय के सभी कार्य संपन्न होते हैं और सभी विद्यालय के प्राचार्यों को हम धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। और मैं हमारे विद्यालय जो ओडिशा का एक विद्यालय है जीपी पब्लिक स्कूल झारसुगुड़ा जहाँ से आज इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ। बहुत धन्यवाद सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज की इस सभा को आप संबोधित करें आदरणीय महोदय के लिए स्वागत भाषण के साथ। Respected Dr. Arun Kamalji, he is the author of Class Hindi Sports Book Poems. He is also a Sahitya Academy awardee. And DAVMs from Odisha, we congratulate you on your future assignment as Vice Chancellor. And once again, I request all the children please to give a very good hand. Thank you for switching. On behalf of DAV fraternity, which is a 137-year-old organization, is based on the philosophy of Swami Dayanand Saraswati. And sir, for your information, we are the largest non-government sector in the whole world. And we have roughly more than 40 lakhs of alumni. And you must be knowing Sri Atal Bihari Vajpayee, Dr. Manmohan Singh, I.K. Gujral, even from sports field, Mr. Kapil Dev, Mahendra Singh Dhoni, from cine world, if you'll see, Shah Rukh Khan, and many more like that. Sir, we have a very big fraternity. Not only in India, across the globe we have. Sir, on behalf of this fraternity, I welcome you to this great interaction session. I also welcome all the teachers, responsible teachers, honorable teachers to this forum. And they are requested to furnish their information, knowledge about this literature, about this poem for the ages to come, so that it can be helpful for the students as well in future. I welcome all my lovely kids, lovely children, those who are like flowers sitting here, available here. I can see their smiling faces. Being away, I can see. I cannot welcome all these online viewers because they are presently not available. However, I hand over this responsibility to Dr. Manjushri, who is always on her toes to take up such programs, and I wish this program to be very successful. Once again, Dr. Arun Kamalji, I welcome you, and I wish this session to be started, and please carry on with all the emotions and energy. Thank you. Over to Dr. Manjushri. Thank you so much, sir. Thank you. बहुत दिनों से जिस काम को लेकर एक विचार मन में था कि डॉक्टर अरुण कमल जी से मुलाकात होगी, जब से फोन नंबर प्राप्त हुआ था, एक बात है कि एक बच्चे की तरह मैंने उन्हें परेशान किया है कि सर आइए और हमारे बच्चों से आप बात करिए, और वो आज दिन आज आ ही गया। एक संक्षिप्त परिचय आदरणीय महोदय का देते हुए मैं हमारे बच्चों की ओर ये इस कार्यक्रम का रुख करूंगी।
डॉक्टर अरुण कवल, जिनका जन्म 15 फरवरी 1954 को हुआ, आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न हिंदी के ख्यातनाम कवि, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आप कवि। आपने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं तथा लंबे समय तक साहित्यिक पत्र का आलोचना का संपादन भी किया है। महोदय, आपका वास्तविक नाम अरुण कुमार है और साहित्य लेखन के लिए आपने अपना नाम अरुण कमल चुना है, अपनाया है। आपका जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज में हुआ और पेशे से आप पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हैं। अरुण कमल जी, 60वीं का आज तक जो दौर हो चुका उसमें सक्रिय प्रमुख कवियों में से एक रहे। कविता की वापसी के रूप में प्रख्यात 1980 में आपकी पहली पुस्तक अपनी केवल धार प्रकाशित हुई और इसी पुस्तक ने उन्हें या आपको एक समकालीन दौर के महत्वपूर्ण कवि के रूप में प्रख्यात कर दिया। इस पुस्तक की धार शीर्षक कविता की पंक्ति हर पाठक को अत्यंत पसंद आती है, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। आपकी ये मशहूर पंक्तियां सभी को अत्यंत प्रेरित करती हैं और आकर्षित भी करती हैं। आपके पुरस्कारों की बात करें तो इसकी एक लंबी श्रृंखला है जिसमें साहित्य अकादमी का नाम पर्याप्त है। इसी प्रकार आपकी रचनाएं देश दुनिया में ख्याति लब्ध रही हैं और आपने अपने वक्तव्य के लिए देश और विदेश का भी भ्रमण किया है। आदरणीय महोदय, आज आपका हम इस मंच पे स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इस संक्षिप्त परिचय के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल पारादीप पोर्ट पारादीप के विद्यार्थियों को, जो कि प्रतिमा जायसवाल मैडम के साथ यहाँ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। क्या सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज साहित्य सम्मेलन के अवसर पर मैं प्रतिमा जायसवाल, हिंदी शिक्षिका, डीएवी पब्लिक स्कूल पारादीप पोर्ट से सर हूँ। और मेरा प्रश्न है सर, आपने किस उम्र में लिखना प्रारंभ किया और किसने आपको प्रेरित किया? ठीक है प्रतिमा जायसवाल जी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं दूं, इसके पहले मैं डीएवी पब्लिक स्कूल जरसगुड़ा के आदरणीय प्राचार्य महोदय, निदेशक महोदय एवं सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने हमें आपसे और बच्चों से बात करने का अवसर दिया। मैं आदरणीय मंजुश्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको आमंत्रित किया और लगभग 3 महीने की मुश्किलों के बाद आज यह अवसर मिला। मेरे बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं अलग से आभारी हूँ। आपका ये जो सवाल है कि मैंने कब से लिखना शुरू किया, तो एक खास उम्र होती है जब लगभग सारे लोग शुरू कर देते हैं लिखना, दुनिया भर में सभी भाषाओं में, और वो उम्र होती है 14-15 साल की, यानी जब आप 9वीं-10वीं कक्षा में होते हैं तब से। और इसकी प्रेरणा मिलती है उन कविताओं से जो आपके पाठ्यक्रम में होते हैं और उन लोकगीतों से भी जो आप आसपास सुनते हैं, और कभी कभी जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे आज ये कार्यक्रम हो रहा है डीएवी पब्लिक स्कूल का, जो दुनिया का सबसे बड़ी श्रृंखला है विद्यालयों की गैर सरकारी क्षेत्र में, तो ऐसे कार्यक्रमों से भी आपको प्रेरणा मिलती है। तो मुझको भी प्रेरणा सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम की कविताओं को पढ़कर मिली
और लोकगीतों को सुनते हुए, और घर में किताबें थी उनको मैं पढ़ता था, तो उससे भी प्रेरणा मिली। पत्रिकाएं आती थी घर में, उनमें कविताएं रहती थी, उनको पढ़ता था, तो इस तरह मुझको प्रेरणा मिली। धन्यवाद सर। धन्यवाद। करते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल आईटीपीएस बनहरपाली की ओर। क्या बनहरपाली आदरणीय सम्मान्य मुख्यमंत्री जी और इस मंच की संचालक मंत्री के मैम और यहाँ पर उपस्थित सभी दिग्गजों को मेरा स्वागत करना। मैं सर बच्चों ने जैसे सुना है कि हमारे कभी हमारे सामने आएंगे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, उनसे पूछे की कल से जैसे त्योहार लग रहा है हमारे स्कूल में, इसके लिए हम व्यक्तियों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे बच्चों ने सर आपके लिए कुछ तैयार किया, आपके लिए छोटी सी भेंट बनाई है, वो भी हम आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सर। स्वागत है, बच्चों आपका स्वागत है। अब अपना प्रश्न पूछें।
नमस्ते मंजू, सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मंजू आपकी वजह से हम सर के साथ रूबरू हो पाए हैं। हमारे विद्यालय का प्रश्न आस्था अग्रवाल पूछेगी। नमस्ते सर, मेरा नाम आस्था अग्रवाल है और मैं डीप प्रांचीगढ़ स्कूल से हूँ। जैसे कि मैंने आपकी कविता खुशबू रिश्ते में हाथ पढ़ी थी, इस कविता ने मुझे बहुत आंदोलित किया था और इससे मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि समाज की विषमताओं से उत्पन्न कुरीतियों से हम कैसे मतलब उसे रोक सकते हैं और आपके दृष्टांत से हमें क्या करना चाहिए? रोकने का काम आपने सोचा, आपके मन में ये बात आई, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि समाज में न्याय होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। हम सब इसी के लिए काम करते हैं और जब से आदमी धरती पर आया तब से उसकी यही कोशिश रही कि ऐसा समाज बने। आपके मन में भी ये बात है, आपके साथियों के मन में भी, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये कैसे करें तो ये कोशिश जारी है। हम गुलाम थे, हमने लड़ाई लड़ी, आजाद हुए, उसके बाद तरह तरह से आजादी के 75-80 वर्षों में हमने कोशिश की, हमारे समाज ने कोशिश की कि बराबरी आ गई, अच्छा समाज बने। लेकिन अब तो सारा काम आपको करना है। जो भावी पीढ़ी है, जो वही भविष्य को बनाती है, तो हम समझते हैं कि ये काम आप करेंगी, आपके साथी करेंगे और करेंगी, ऐसा आपको लगता है। और ये काम अकेले का नहीं है, ये काम सब मिलके करेंगे, ऐसा ही मुश्किल। आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आस्था, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ, ये सबसे जरूरी बात है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी की सोच है यही खास है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 16 के विद्यार्थियों के द्वारा पूछा जाएगा और हमारे साथ बीना रंगेल मैडम अपने बच्चों को लेकर जुड़ी हुई है। नमस्ते सबको, मेरा प्यारा, सबको मेरा प्यारा मंजूश्री मैडम, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबसे हमारी मुलाकात आपकी वजह से हुई। सर आपने जितनी हिंदी में जितनी भी कविताएं हैं, गद्य और पद्य हैं, उनमें सबसे अच्छा लगता है मैं इलाके में और खुशबू रिश्ते हैं हाथ, क्योंकि जीवन की आज की वास्तविकता से बच्चे जुड़ जाते हैं, पता चलता है कि आज के समाज में क्या चल रहा है। तो मेरे बच्चों में भी बहुत सारे प्रश्न तो उभरे हैं, समय की दृष्टि से मेरी एक दो बच्ची कुछ अपने भाग पूछना चाहती है। हाँ जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बच्चे मैंने एक कविता पढ़ा नए इलाके में और मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है कि आपने जो एक कविता लिखी है तो इसको रचने की भावना आपके मन में कैसे उजागर हुई और क्या ये आपके जीवन से सत्य में हुआ था कि घटना क्या सत्य पर आधारित है? अच्छा, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है। इसके पहले भी जो आस्था ने सवाल किए वो भी बहुत अच्छा था और आप लोग बहुत गहराई से कविता पढ़ रही हैं, ये जान के मुझको खुशी है। हमेशा होता ऐसा है कि बहुत से अनुभव मिल जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने एक साथी के यहाँ जा रहा था, बहुत दिन से नहीं गया था, करीब एक साल हो गया था उसके घर गए, लेकिन मुझको उसका घर मिल ही नहीं रहा था, सब कुछ बदल गया था। बहुत मुश्किल हुई और मैं लौट के चला आया। तो ये तो बात हुई जहां से ये विचार मन में आया, लेकिन आप अपने आसपास को देखें, समाज को देखें, तो सब जगह सब कुछ बदल रहा है और रोज बदल रहा है और ये बदलाव हर बार अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा बदलाव जो आदमी को आदमी से अलग कर दे वो अच्छा नहीं हो। तो इस तरह मेरे मन में ये बात है, ठीक है जी सर, धन्यवाद। खुशबू रस्ते हैं आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। खुशबू रस्ते हैं आपके वो शहर के पुराने मोहल्लों में, गलियों में ये काम होता है, अगरबत्तियां बनती हैं
और दुनिया में जहां भी अगरबत्तियां बनती हैं या कुछ भी बनता है, लोबान बनता है, धूप चंदन की अगरबत्तियां बनती हैं, जो भी होता है तो अधिकतर गरीब लोग बनाते हैं और उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो ये उन महल्लों के बारे में, उन औरतों के बारे में है जिसमें बच्चियां भी शामिल हैं और बूढ़ियां भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। यानी जो भी खुशबू है उसको वो लोग रचते हैं जो सबसे कमजोर है। बस ये बात। तो सर क्या अगर आपने मतलब जो अभी बोला तो क्या आपने उसे अपने आंखों से खुद अनुभव किया? हाँ देखा देखा, हम जो देखते हैं उसी के बारे में लिखते हैं, जो अनुभव करते हैं उसी के बारे में, और वही सच हो। बहुत बहुत धन्यवाद मीना पटनायक मैडम। सर अभी हमने जिस स्कूल को विजिट किया है वर्चुअल मोड पे, डीएवी पब्लिक स्कूल वरनपुर था, तो वरनपुर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मीना मैडम आपने बच्चों को साथ लिया और बच्चों ने इतने सुंदर प्रश्न किए, उनका धन्यवाद। अब हम चलते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 16 की ओर, जिनकी बारी है अब, और वो प्रश्न करेंगे वीना नांगल मैडम के साथ जुड़ी हुई है। तो मैडम आपका स्वागत है बच्चों के साथ। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मीना जी। कोशिश करें, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, अनम्यूट करें। बोलिए। पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 सीडीए कटक से, सीडीए कटक जो कि जुड़े हैं हमारे साथ स्नेहलता श्रीवास्तव मैडम के साथ। मैडम बच्चे अब सभी तैयार हैं, स्वागत है आपका। मैडम सर नमस्कार। अच्छा मंजुश्री मैडम आपको भी नमस्कार, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई सर, रूबरू मुलाकात बहुत ही आनंददायक है। हमारे बच्चे कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब से सुना है कल से ही वो बहुत ही तबले हो रहे हैं। मेरी विद्यार्थी जो है प्रवीण, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम पवित्र है, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल सीडीए कटक से बात कर रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि अगर एक छात्र या छात्रा बड़े होकर वो एक सफल कवि या लेखक बनना चाहते हैं तो उन्हें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए और किस तरह वो इस पथ पर अग्रसर हो सकते हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप और आपके साथी कवि बनना चाहते हैं, यानी कविता लिखना चाहते हैं। मैं कटक गया हूँ, वहाँ मेरे बहुत तो बड़े कवि जयंत महापात्र रहते हैं, उनका हाल में निधन हुआ। तो आप कवि बनना चाहती हैं, कविता लिखना चाहती हैं, इसके लिए सबसे जरूरी है भाषा। आप जिस भाषा में भी लिखना चाहें, हिंदी में या उड़िया में, तो आपको वो भाषा हर तरह से आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शब्द आपको आपके पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुहावरे, और आप लोगों को बोलते हुए ध्यान से सुनो। कविता बोली से निकलती है, सारी भाषाएं बोली से निकलती है, तो आप ध्यान से लोगों को बोलते हुए सुनिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ध्यान से देखिए, सब कुछ को देखिए, जो कुछ भी है आप आपके आसपास उसको ध्यान से देखिए, हर चीज को, और जब जो देख रहे हैं बस उसी पर ध्यान रखिए। तीसरी बात ये कि आप अपने को भी ध्यान से देखिए कि आपके मन में क्या हो रहा है, ये तीन बातें सबसे जरूरी है। और चौथी बात,
को पढ़िए, जितना सब कुछ पढ़िए, सिर्फ कविता ही नहीं, ज्ञान की सभी किताबें पढ़िए, साहित्य, दर्शन, राजनीति विज्ञान, धर्मशास्त्र, सब कुछ पढ़िए, सारा कुछ, ठीक है। और मैं शुभकामना देता हूं, आप आगे चल के खूब कविताएं लिखिए, खूब आपका नाम यश। इस तरह कविता में आपकी रुचि बढ़ती जाएगी।
कविता को मनुष्य की मातृभाषा कहा गया है, मनुष्य तक। तो दुनिया में हर भाषा में हर आदमी कविता पढ़ना और सुनना चाहता है। लोकगीत भी कविता है, पहले सिर्फ लोकगीत हुआ करते थे। तो कविता में आपकी न केवल रुचि होगी, आप कविता लिखना भी शुरू कर देंगे और खूब अच्छा लिखेंगे। धन्यवाद मीना मैडम, आपने अपने पूरे टीम के साथ, हम पहले जूझ रहे थे, फिर भी थोड़ा जूझना पड़ा, लेकिन जूझ का नाम की जिंदगी है एक तरह से, और अंततः हम जुड़ गए और अपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे चलते हैं, सब अपनी प्रतीक्षा में है। डीएवी पब्लिक स्कूल इफको, जो कि पुनीत प्रताप सिंह सर जो है जुड़े हुए हैं अपने बच्चों के साथ। तो पुनीत सर, क्या आप उपस्थित हैं? अच्छा, हम उनके साथ फिर जुड़ेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएवी पब्लिक स्कूल सीडीए कटर से परमज्योति मैडम अपने पूरे कक्षा नौवीं के छात्र छात्राओं के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैडम आपका स्वागत है, सभी बच्चों का भी स्वागत है। नमस्कार मैडम जी, सर मैं परमज्योति की डीएवी कटर से, मेरी कक्षा की एक छात्रा श्रेयांशी पंडा आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। नमस्ते सर, मैं श्रेयांशी पंडा डीएवी पब्लिक स्कूल सीडीए कटक नवीं कक्षा की छात्रा हूँ। आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कभी कक्षा में शरारत करते थे, और आपको कौन से शिक्षक सबसे ज्यादा पसंद थे? भाई शरारत अगर हमने की तो बताएंगे नहीं, कोई नहीं बताता, लेकिन उसके साथ ही जाना। उसके साथी जानते हैं क्या शरारत हो रही है, और कई बार शिक्षक भी जान जाते हैं और वो सजा भी देते हैं कई बार। अब कौन से शिक्षक ज्यादा पसंद थे, मुझको सबसे ज्यादा वो शिक्षक पसंद है जो विद्यार्थियों से बहुत सहानुभूति के साथ पेश आता है, क्योंकि हर विद्यार्थी सब कुछ जानता है। दूसरे कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो बहुत सवाल करते हैं, तीसरे ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो घर से बहुत कमजोर होते हैं, परिवार से कमजोर होते हैं, सुविधाएं नहीं होती उनको। तो इन तीनों तरह के विद्यार्थियों के साथ प्रेम से पेश आना, सहानुभूति से, और सबको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करना, हर आदमी सीखने की कोशिश करे और उसको हम आगे ले जाएं। शिक्षक का एक ही काम है कि जो विद्यार्थी उसको मिला है, अगर वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है तो उसको एक पक्की ईंट में और फिर संगमरमर में बदल देना, वही शिक्षक सबसे अच्छा होता है, जो सबसे प्रेम और कभी सजा न। जरूर
पूछिए। अंग्रेजी प्रोफेसर होते हुए पीएचडी साहित्य की ख्याति से अर्जित की है सर, आप कैसे अर्जित किए हैं सर? सर आप अंग्रेजी प्रोफेसर होते हुए ख्याति अर्जित कैसे किए? आपका शुभ नाम क्या है? हाँ भाई, बहुत खुशी हुई आपके सवाल से। कई लोग पूछते हैं तो है क्या कि आदमी कविता अपनी भाषा में लिखता है, जैसे अंग्रेजी के कवि टीएस एलियट, वो पहले शुरू किया उन्होंने फ्रेंच में लिखना, लेकिन उनको लगा कि कविता तो अपनी भाषा में सकता। ऐसे ही गालिब फारसी में लिखते थे, फिर उनको लगा कि नहीं ये तो अपनी भाषा में लिखना है, तो उर्दू में लिखा। वैसे ही बच्चन जी ने लिखा, वैसे ही फिराक साहब ने लिखा, वैसे ही फैज ने लिखा, ये सब अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो कविता केवल अपनी भाषा में सकता है। जो भाषा आपके साथ की है, यानी आपकी मातृभाषा, मातृभाषा, इसीलिए मैंने और कोई उपाय नहीं, मैंने यही मेरी मातृभाषा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हम ये चाहते हैं कि आप अपने माता पिता से आगे जाएं, अपने गुरुओं से आगे जाएं और मुझसे बहुत बहुत आगे जाएं, क्योंकि दुनिया में आगे जाने और बिल्कुल ऊंचाई पर, एवरेस्ट पर जाने वाले कम लोग होते हैं। हम चाहते हैं कि आप एवरेस्ट की छोटी छोटी छुए, जिस क्षेत्र में काम करें आप सबसे ऊंचाई पर जाएं। हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर क्षेत्र आदमी को अच्छा बनाता है। वैज्ञानिक सोच विज्ञान ने हम लोगों को जीवन कितना बदल दिया और अच्छा कर दिया, वैसे ही हर क्षेत्र। तो आप जहां भी जाए खूब आगे जाए। बहुत बहुत शुभकामना आप सब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सभी बच्चों का धन्यवाद जो इतने अच्छे प्रश्न किए आपने। और अब हम आगे बढ़ते हैं, समय की अपनी सीमा है, समय तो रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा है। मैं अब चलती हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल झारसुगुड़ा, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। वो भी प्रश्न को लेकर तत्पर है, लगभग 3 महीने से मैंने उन्हें परेशान करके रखा है आपसे मिलाने के लिए। बच्चों आपका स्वागत है, और गायत्री शर्मा मैडम उनके साथ जुड़ी हुई है। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम मैम। सर मेरे विद्यार्थी कुछ आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, और सिद्धि महापात्र स्वयं रचित कविता बोलना चाहते हैं। हाँ ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम। मैं आज आपके द्वारा रचित खुशबू इश्तेहार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बर्फों से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाली, घिसे नाखूनों वाली, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के लोगों के द्वारा बनते हैं केवड़ा गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी मैम,
बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धि। और धर्मेश आपका प्रश्न पूछे। प्रणाम सर, मैं धर्मेश कुमार साहू डीएवी पब्लिक स्कूल खरसूरा से। बोलिए दिनेश जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि आपने जंगल बुक का अनुवाद किया, तो सर आपका अनुभव कैसा था? ये मेरे परिचय में छपा है, तब मैं जंगल बुक का अनुवाद कर रहा था और काफी काम मैंने कर भी लिया था, लेकिन तब तक कई अनुवाद बाजार में आ गए थे। वो जंगल बुक एक सीरियल चलता था, गुलजार साहब ने जिसको बनाया था, तो कई किताबें आ गई थी, इसलिए मेरी वो किताब मैंने पूरी नहीं की और वो अधूरी रह गई। मैंने दूसरे अनुवाद किए उसके बाद, लेकिन वो अधूरा रह गया। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अभी LRDAV पब्लिक स्कूल CTC कटक से जुड़े हुए हैं मधुबाला धाल मैडम के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या आप तैयार हैं अपने प्रश्न के साथ? जी मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार मंजूश्री मैडम, आपके वजह से हमें आज सर के सर बातने का मौका मिला, जो हमारे सौभाग्य की बात है। तो हमारे नवी कक्षा के छात्र एक छात्रा है जो आपसे सवाल पूछना चाहती है। हाँ बोलिए। हम सभी के तरफ से आपको नमस्कार। 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 सबसे पहले तो हम यह कहना चाहेंगे कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम जिसके कविता पढ़ रहे हैं आज हम खुद उन्हीं से बात करने जा रहे हैं। मुझको ही बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। सर आपसे एक प्रश्न था, आपकी एक रचित कविता थी खुशबू रचते हैं हार, यह कविता लिखने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि आपने सोचा कि यह कविता लिखी? हाँ, मैंने देखा, मैं पटना में रहता हूँ और दूसरे शहरों में भी जाता हूँ, दूसरी जगहों पर भी जाता हूँ, तो मैंने कई जगहों पर देखा कि ऐसा है कि बिल्कुल गंदे मोहल्लों में गरीब लोग अगरबत्तियां बनाते हैं, तो वहां से मैंने ये विषय। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, अच्छा लगा आपके प्रश्न को सुनकर। अब हम आगे बढ़ते हैं स्कूल से, शरद प्रताप दास जी के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सर नमस्ते। सर नमस्ते मैम, और मैं मदन मोहन पब्लिक स्कूल डीएवी भद्रक से है। तो मेरे नवी कक्षा के छात्र के साथ मान्यता आपके सवाल है करने के लिए आ रहे हैं। हाँ बोलिए मान्यता। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम मान्यता पारिकला है और मैं डीएवी मदन मोहन पब्लिक स्कूल विद्यार्थी। मैंने अपनी खूबसूरत कविता खुशबू रचते हैं हार पढ़ी, और मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान के मशीनी युग में अगरबत्ती बनाने वाले के बारे में आप बताकर क्या संदेश देना चाहते हैं? अब तो बहुत सी अगरबत्तियां मशीनों से भी बनती हैं, लेकिन बहुत से काम अभी भी हाथ से होते हैं, और जो सस्ती अगरबत्तियां हैं वो अभी भी हाथ से बनती हैं। हमारा बहुत सोचना है, जो आपका सोचना है, आप बहुत सही सोच रहे हैं कि अब ये काम बंद होना चाहिए और मशीनों से होना चाहिए, लेकिन एक ही काम का नहीं है। अभी भी शहर के जो नाले हैं और गंदी नलियां हैं उनको मशीन साफ नहीं करती, आदमी अभी भी साफ करता, ये सब बंद हो जाना चाहिए और आदमी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उसके श्रम को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए, और जो अन्न उगाता है उसको अन्न मिलना चाहिए, जो वस्त्र बनता है उसको वस्त्र भी मिलना चाहिए, सबको सब कुछ मिलना चाहिए, यही। ठीक है, धन्यवाद। डीएवी पब्लिक स्कूल MCL जगन्नाथ एरिया डेरा तालचेर की ओर, जहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं, रमेश चंद्र लेंका सर के साथ। लेंका सर क्या आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? जी जी, धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। आवासी
मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार है और विशेषकर आज के इस पुलिस अवसर पर मुख्यमंत्री अरुण कुमार जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। वास्तव में मेरे स्मरण में कुछ आयोजन है बच्चे यहाँ से रवाना होंगे बच्चों के मन में बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि छुट्टी के बाद किसी प्रोजेक्ट लिए आए और छुट्टी के बाद बच्चों को डॉक्टरों का मुश्किल है इसलिए थोड़ा बहुत भी निकल गए और फिलहाल आपकी बात सुने और जो कविता हम क्लास में पढ़ाते थे तो बच्चे प्रत्यक्ष में आपसे ठीक है ठीक सर डॉक्टर रहते हैं डीएवी पब्लिक स्कूल राउरकेला की ओर चलते हैं डॉक्टर एएनके पब्लिक डीएवी पब्लिक स्कूल राउरकेला हमारे साथ करण कुमार बेहरा सर बच्चों को लेकर जुड़े हुए हैं महोदय आपका स्वागत करते हैं और सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम एंड परम आदरणीय अरुण कमल जी का मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारा परम सौभाग्य है कि सर से हम जुड़ पाए क्योंकि कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं उनकी कविताएं और देखने का बहुत ये था आमने सामने तो हमारे विद्यार्थी बहुत उत्सुक हैं कुछ प्रश्न करने के लिए सर अनुमति चाहूंगा आप। जरूर जरूर धन्यवाद। बहुत खुशी है। शुभ मध्याह्न सर। मेरा नाम रिंकी कुमारी जोशी है। यहाँ सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। सर मेरा प्रश्न यह है कि खुशबू रस्ते हाथ कविता की रचना आपने की थी, आपने यह कल्पना की थी, यह आपने यह स्वतंत्र कहीं देखा था? नहीं, मैंने देखा था। जैसा मैंने अभी बताया ये मेरे जीवन का अनुभव था और ये बहुत पुराना अनुभव था। अब तो 40-50 साल हो गए देखे हुए। तो ये देखा मैंने और मैंने सोचा कि दुनिया में लोग खुशबू रचते हैं वो खुद गंदगी में रहते हैं। बस यही विरोधाभास था और तब मैंने ये कविता लिखी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर आपका पसंदीदा कविता कौन सा है और क्यों? मुझको बहुत सी कविताएं पसंद हैं, जैसे निराला की कविताएं मुझको बहुत पसंद है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन की भी बहुत पसंद है, शमशेर बहादुर सिंह की भी, तुलसीदास की भी, मीराबाई की, कबीर की, गालिब की, मीर की, सबकी बहुत पसंद है। कोई एक कविता का तो कहना मुश्किल है लेकिन अगर आपको एक कविता पूछे ही तो मुझको निराला की कविता राम की शक्ति पूजा सबसे प्रिय है जो मैं बार बार पढ़ता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। महोदय को हम लोग सुन पा रहे हैं ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। समय के पर होते हैं कि वो मिनटों में उड़ा चला जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और डीएवी पब्लिक स्कूल एमसीएल बनपहाल से नीरा महेश्वरी मैडम के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। नीरा मैडम सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। ये हमारा मोटिव है कि हमारे विद्यार्थी और हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। हम बहुत आभारी हैं सर। हमारे विद्यार्थी मन में कुछ उत्सुकता है प्रश्न पूछने के लिए तो वो आपसे कुछ पूछना चाहती है। जरूर जरूर। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे सब उपस्थित सभी मेरा प्रश्न यह है जब आपकी सबसे पहली कभी प्रकाशित हुई उसको लेकर उससे आपकी क्या उम्मीद उससे आपको क्या लगा आपकी उम्मीद से उसे ज्यादा लोकप्रियता मिली सफलता मिली या उससे कम?
इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? जो मेरी सबसे पहली बार कविता प्रकाशित हुई, पहले तो मुझको बहुत खुशी हुई कि जो मैं हाथ से लिखता था वो छपा हुआ है और लोगों ने उस कविता को पढ़ा, कम लोगों ने पढ़ा क्योंकि वो पत्रिका छोटी थी, कम संख्या में निकलती थी, कम लोगों ने पढ़ा, लेकिन लोगों ने तारीफ की जो मुझको बहुत अच्छा लगा और इस तरह मुझको प्रोत्साहन मिला। जब कोई एक आदमी भी अगर तारीफ करे तो अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, धन्यवाद बच्चों। सच में प्रोत्साहन, प्रतिभा प्रोत्साहन और समन्वय भाव ही किसी संस्था के आधार होते हैं। इसी तरह प्रोत्साहन मिलता रहे, प्रतिभाएं आगे निकलती रहेंगी, जैसे सर ने भी कहा है। तो अब मैं अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करती हूँ, बस हमारे पास अब दो स्कूल बाकी है जिसके बाद अब हम महोदय से आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। डीएवी पब्लिक स्कूल यूनिटेड भुवनेश्वर से हमारे साथ नीतू शाह मैडम और सुनीता महापात्रा मैडम के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े नीतू मैडम, और बच्चों का स्वागत है, सभी का स्वागत है। नीमा पाना जो की अमूल्य कुमार सतपति सर के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। अमूल्य सर, क्या आप हैं हमारे साथ? जी जी सर, आप नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो आपसे मिलकर ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जो हमारे जो सपने में हम जो इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं हमारे विद्यालय का विद्यालय सेनापति को मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शुभ अपराह्न सर। प्रणाम आप सभी को, मेरा नमस्कार। मैं विजयनाथ सेनापति देव पब्लिक स्कूल निमापड़ा का नवीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न है, कविता नए इलाके में और खुशबू रस्ते हैं हाथ में, आपका स्वर और मनोदशा क्या था, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। नए इलाके में तो ये है कि जिस जगह को मैं जानता था वो जगह बदल गई, यानी परिवर्तन हो रहा है। तो मेरा मनोभाव था ये कि दुनिया हमेशा बदल रही है, रोज परिवर्तन हो रहा है। दूसरी कविता में मनोभाव ये था कि इस दुनिया में इतनी विषमता क्यों है, और दुनिया में जो श्रमिक वर्ग है वो दिक्कत में तकलीफ में क्यों है, यही मनोभाव इन कविताओं का तब था, और ये मनोभाव उसमें मैंने प्रकट करने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद बच्चों। डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी टीटीपीएस तालचेर थर्मल से धीरेन्द्र कुमार पानीग्रही सर के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र सर, क्या आप बने हुए हैं हमारे साथ? अच्छा, नीतू शाह मैडम अब जुड़ गई हैं, तो हम उनका प्रश्न पहले ले लेते हैं। जी सर, के आवासी मंच से जुड़े हुए सभी पाठकों को मेरा स्वागत जमा है। और जैसे कि हमने किताबों में आपका सब नाम देखा था, सुना था, और सामने आपके जैसे महान कवि प्रेषक हमारे सामने है, तो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी भी साथ ठीक है। शुभ अपराह्न सर, मैं अलका नंदा भाभा की कक्षा 9 की छात्रा देवी पब्लिक यूनिटेड से यहाँ उपस्थित हूँ। आपको प्रभावित किया था, हर बार डर लगता है, कोई भारी पत्थर मुझे दबाने लगता है, सांस बढ़ते दूर लगता है, कभी नजारा बढ़ जाए। आपके जैसे शब्दों का यहाँ सृजन किया है, मुझे भी कभी कभी मेरे दिमाग में सवाल आता है कि साहित्य के सृजन में उचित शब्दों का चयन कैसे किया जाए। भाई आपने मेरी अन्य कविताएं भी पढ़ी हैं, ये देख के मुझको बहुत खुशी हो रही है। कविता कोश पर बहुत सी कविताएं बहुत से कवियों की हैं। आप नेट में जाएंगे और कविता कोश टाइप करेंगे तो ये सारी कविताएं मिलेंगी आपको, बहुत लोगों की।
तो मुझको बहुत खुशी है कि आपने ये पंक्तियां उद्धृत की। अब शब्दों का चयन कैसे किया जाए इसकी खोज करनी पड़ती है, किस भाव के लिए कौन सा शब्द सही होगा। बहुत से पर्यायवाची शब्द होते हैं लेकिन कोई एक ही सटीक होगा वह, तो ये धीरे धीरे अभ्यास से आता है। और दूसरे बड़े कवियों को पढ़कर, बड़े कवियों ने ऐसा कैसे लिखा, जैसे वह तोड़ती पत्थर निराला की कविता है, उसमें है दिवाकर तम तमाता रूप, खूब धूप है बहुत गर्मी है, तो उन्होंने शब्द दिया तम तमाता, जैसे चेहरा गुस्से से गर्मी से तमतमा जाता है वैसे। तो इस तरह शब्दों का चयन होता है कि उस भाव के लिए कौन शब्द सही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार हम प्रश्नोत्तरी के अंत में पहुंच गए हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी स्कूल के लोगों को मेरा प्रणाम। कवि श्री अरुण को, अरुण कमल जी आपको भी मेरा सादर प्रणाम। सर मैं डीएवी पब्लिक स्कूल रिपोर्ट की नवीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने किस उम्र में लिखना चालू किया और आखिर, और मतलब इस कवि बनने के पीछे आखिर आपकी प्रेरणा क्या थी? आपने कवि बनना ही क्यों चूज किया, कुछ और क्यों नहीं, कवि ही क्यों? 15 साल की उम्र में और अभी तक लिख रहा हूँ, 70 साल की उम्र में भी, और यही एक काम है जो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ। मैंने नौकरी भी की, पढ़ाया भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो काम दूसरों की मर्जी से करना पड़ा। सिर्फ लिखने का काम ऐसा है जो मैं अपनी मर्जी से ही करता हूं और इसीलिए मैंने लिखना चुना। जिस काम में आपको खुशी मिले वही काम करना चाहिए, और अगर ऐसा काम मिले जिसमें अपनी मर्जी से करना हो तो और भी अच्छा, लेकिन काम करना है, लगातार काम करना, खूब साधना करनी है, खूब पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है, खूब खेलना भी है और खूब खाना भी है, तब आदमी जीवन में थोड़ा बहुत कुछ कर पाता है। लेकिन खूब काम, याद रखिए, खूब काम करना है, तो वो काम मैं अभी भी करता हूँ, करना है, है ना? आपको मेरा धन्यवाद। आपकी कविता मुझे काफी अच्छी लगी, मतलब वो बहुत ही प्रेरणाजनक कविता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ मुझे आपकी ऐसी और कविताएं पढ़ने का अवसर मिलता रहे। आपसे मिलकर मुझे बहुत धन्यवाद। कविता की चंद पंक्तियों के साथ मैं सर के विचार आज के कार्यक्रम के पक्ष में सुनना चाहूंगी कि किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, न आसरा है किसी सहारे का, ये हाथ भी न रहे पैर भी, आंखें न रहे न कान न जीभ, बस सांस रहे तब तक जानता हूँ जीता रहूंगा जीता रहूंगा। तो सर के कविता की चंद पंक्तियों के साथ आज की ये प्रश्नोत्तरी, ये बच्चों के साथ ये चर्चा, यहाँ अल्प विराम लेते हैं और आज सर के साथ जानना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में उन्हें कैसा लगा, उनके अनुभव। अभी जो पंक्तियां आपने कही, जब तक ये सांस चलती रहे तब तक जीता रहो, तो हमारे लिए बच्चे ही तो सांस है, तो मुझको ज्यादा सांस मिली, मुझको ज्यादा जिंदगी मिली, जीने की उम्मीद मिली कि जब इस देश में इतने अच्छे बच्चे हैं तो हमारे देश का भविष्य भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे सवाल करें, सवाल करना बहुत जरूरी है, और जिनके मन में नई नई बातें आवे, और जो साहस करें, जो भय न माने, जो निर्भीक हो, तो मुझको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई। इस बात की भी खुशी हुई कि इनके जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो बहुत योग्य हैं, उन्होंने बच्चों को ये अवसर दिया कि वो सवाल करें, उनको बढ़िया से पढ़ाया, विषय को समझाया, कविताओं को समझाया, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं।
और डीएवी विद्यालय समूह का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था की और उनसे बातचीत करने का इतना सुंदर अवसर उपलब्ध हुआ है। शुरू में मैं ये कार्यक्रम सोचा उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मंजूश्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसकी परिकल्पना की। ये कविताएं पढ़ाई तो जाती है पूरे देश में, लेकिन ये ऐसा अवसर कम आया है जब इस तरह से कोई सभा की जाए सबके साथ मिलकर रूबरू आमने सामने। और ये जो आपका कार्यक्रम है लेखक आमने सामने, ये एक अनूठा कार्यक्रम है, इसकी परिकल्पना अनूठी है। और मंजूश्री जी के साथ एक और खास बात यह है कि तेलुगु भाषी उड़िया भाषा क्षेत्र में रहती है और इनकी हिंदी इतनी अच्छी है। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय की बातें सुनकर जो उन्होंने अंग्रेजी में कही, इतनी अच्छी अंग्रेजी में कही और इतनी अच्छी बातें कही, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और मैं इस पूरे कार्यक्रम से बहुत अच्छी भावनाएं लेकर, नए अनुभव लेकर और नई सांसें लेकर जा रहा हूं। तो मुझको बहुत खुशी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और आने वाले बड़े दिन की शुभकामना। और इसके बाद अब तो कुछ ही दिन के बाद नया साल आएगा, तो उसकी भी शुभकामना अभी से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद सर, आपने प्रदान किया हमें कि हम आपसे जुड़ सके और हमारे लिए अवसर रहा कि हमने पूरे अवसर का लाभ उठाए और आपके साथ हम जुड़ पाए। आचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वे चंद शब्द कहें जिसके बाद आज हम इसका समापन कर सकते। सबको प्रणाम। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि शेक्सपियर द हाईएस्ट इंग्लिश प्ले राइट, अगर वो अभी जन्म लेंगे इस धरती में, इस धरती पर, तो उनको ही उनका लिखा हुआ ड्रामा हमारा बच्चों से समझना पड़ेगा। वो ड्रामा को लेके उसका ऊपर इतना क्रिटिक्स आ चुके हैं, इतना क्रिटिसिज्म हो चुका है, इतना मीनिंग्स उससे निकाला जा चुका है कि शेक्सपियर को अभी समझना होगा कि अभी का जमाने का बच्चे उनका बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका ड्रामा को क्या मीनिंग दे रहे हैं। वैसे महात्मा गांधी जी अगर अभी होते तो उनको भी समझना होता कि वो कौन सा रामराज्य के बारे में सोचे थे और कौन सा सत्ययुग के बारे में सोचे थे और दुनिया कैसे कैसे कहां जा रहा है। तो मेरा ओवरऑल बोलने का मतलब यह है कि बच्चे लोग अगर दिल में सच्चे हैं, इफ दे आर सो मच यू नो केयरिंग, ये लोग अगर उतना मेहनत करके अच्छा से काम करेंगे तो ये लोग एक अच्छा दुनिया देख पाएंगे, एक अच्छा दुनिया बना पाएंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर अरुण कमल जी का, हमारे लिए इतना टाइम दिए, हमारा बच्चे लोगों को इतना सारे एडवाइसेस गाइडलाइंस दिए। और बच्चे लोग जो मैं भी एज ए स्टूडेंट, मैं भी एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल मैं भी बोल रहा हूँ, शायद फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा मेरा लाइफ में हो रहा है जब बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, जो सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो टीचर्स लोग हैं, एक डायरेक्ट ऑथर का, एक कवि का साथ बात कर रहे हैं और उनका जो इसका फीलिंग है उसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये मौका देने के लिए डॉक्टर अरुण कमल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टू लिसन टू सच अ ग्रेट प्रोग्राम एंड ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजूश्री, थैंक यू सो सो मच। ओके, तो आगे आगे बढ़।
धन्यवाद सर, आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ हृदय से कि मेरी इस परिकल्पना में आप सभी ने सहयोग दिया, आप सभी इसमें जुड़े हिस्सेदार बने। ये मेरे बचपन का ही स्वप्न था कि हम जिसे पढ़ते गए हम उन्हें देखेंगे तो कैसा लगेगा, और वो स्वप्न तैयार है फिर आज किया ना, जैसे भी आप जो कहेंगे हम समझ लेंगे। धन्यवाद सर, सभी विद्यालयों का, मैं सभी प्राचार्यों का, मैं सभी शिक्षकों का और सभी बच्चों को धन्यवाद देती हूँ, और इसी वादे के साथ इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय भारत, जय जीएली, धन्यवाद।